So guys, today we are going to learn about the image formations. Image formation by concave mirror. But before we further proceed with the image formation by concave mirror, we need to take into account few terms and we need to understand where they lie. So first of all, concave mirror. So this is a concave mirror and this is an imaginary line which passes through the pole, the focus and the center of curvature. So an imaginary line passing through the center of curvature, focus and pole is called as principal axis. Now what is this P? P means pole. P means pole. Pole is the center of the reflecting surface, or pole is the center of mirror. And before we move further, we need to recognize and understand the meaning of all these terms. That what is pole, what is focus, what is C means center of curvature. Center of curvature. Clash of plans nahi hai, theek hai. Chaliye ab. So what is center of curvature? Center of curvature is a point of a imaginary sphere. अब स्फीयर कहाँ से आ गया? यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का स्फीयर तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि उस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा ये कॉनकेव मिरर है, जिसे यदि हम पूरा बनाएं तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है? So हमने मान लिया कि ये पूरा स्फीयर है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना लिया था. जब मैं इसे पूरा बनाऊं तो हमें एक ऐसा स्फीयर मिलेगा और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ये, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए पॉइंट ऑफ ए इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट. सो दिस सी इज द सेंटर ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर, जिसका ये जो कॉनकेव मिरर है वो एक पार्ट है, ठीक है? अब द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज फोकस. फोकस इज ए पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज एट ए हाफ डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ इस पी एफ को क्या बोलेंगे हम? हम कहेंगे कि ये जो पी एफ है, पोल से लेके एफ तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, और पी से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा क्या है? फोकल लेंथ. तो हम क्या कहेंगे? पी सी इज इक्वल टू 2 × PF. ये आप देख सकते हैं, PC is equals to PF को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ ए कॉनकेव मिरर. नाउ व्हाट आफ्टर दिस? हम लोगों ने कुछ केसेस पढ़ रखे हैं कि भाई अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. ये एक केस हमने पढ़ रखा है. हमने एक और केस पढ़ रखा है कि इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलली विद द प्रिंसिपल एक्सिस. हमने एक और केस पढ़ रखा है कि इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर एंड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल ट्रेस बैक इट्स ओरिजिनल पाथ. मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास हो रही है तो वो उसी रास्ते से वापस जाएगी. ये हो गए हमारे तीन
रूल्स। और एक और हमारा चौथा रूल है कि अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कोन हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो अगर हमारा एक इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रहा है बाय मेकिंग सम इंसिडेंट एंगल आई, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल आर। द एंगल बिटवीन दिस प्रिंसिपल एक्सिस जो यहाँ पे नॉर्मल का काम कर रही है, सो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे। इन दिस पर्टिकुलर केस इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे ये बोला गया है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यू केसेस विच वी कॉल इट एज इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में आप लोगों को सबसे पहले कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में अभी क्लियर करवाता हूँ, एंड इट इज वेरी इजी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइड में एक टेबल भी बना लेंगे, छोटा सा टेबल होगा, और वो टेबल से आप लोगों को बहुत आसानी होगी याद करने में कि भाई ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम टेबल बना लें, आप मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक टेबल बनेगा, सॉरी टेबल में कैसे बनेगा कि ये सब हम लोगों को सिर्फ इमेज के बारे में डिस्कस करना है ना, और हम लोग इमेज को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का हम लोगों को मिलेगा इमेज, एंड देन वी हैव टू चेक कि भाई वो इमेज जो बन रहा है वो उसका पोजीशन कहाँ पर है, उसका साइज छोटा है या बड़ा है या उतना ही है, और नेचर मतलब वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। सो रियल इमेज किसे कहते हैं, रियल इमेज मीन्स द इमेज विच वी कैन सी ऑन और विच वी कैन प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन, इमेज जिसे हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो रियल इमेज होगा, बट इमेज विच वी कैन नॉट प्रोजेक्ट ऑन रियल इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। ऑल्सो जो कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर मैंने आपको बताया है कॉनकेव मिरर को कहते हैं, तो कन्वर्जिंग मिरर हमेशा रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। नोट करिए, द कन्वर्जिंग मिरर ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, द कन्वर्जिंग मिरर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, द डाइवर्जिंग मिरर ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये आप याद रखिए। अब हम सबसे पहले हम काम कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं, तो हम पहले केस की बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट विल बी पोल, दिस पॉइंट विल बी फोकस, और इसका डबल विल बी आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, हम सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बताते हैं। अब हम पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हम सी के पीछे रखेंगे, फिर हम सी पे रखेंगे, फिर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर हम एफ पे रखेंगे, और हम एफ और पी के बीच में रखेंगे, स्टार्टिंग विद द इन्फिनिटी कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएगी वो हमेशा पैरेलल होगी,
ठीक है, इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पैरेलल, ठीक है। और इसका अगर आप डायग्राम चेक करें तो ये पैरेलल आएगी, ठीक है। और पैरेलल आने के बाद क्या होता है कि ये पैरेलल आएगी तो ये कहाँ से पास होगी बेटा, मान लीजिए इन्फिनिटी से रेज आ रही है ऐसी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से भी एक रे आ रही है इन्फिनिटी से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब कहाँ पर मिलेगी, फोकस में। जितनी भी रे पैरेलल होके इन्फिनिटी से आ रही है ये सब कहाँ मिलने वाली है, पैरेलल है, इसलिए एट दिस पॉइंट फोकस। सो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस में। तो हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज, अब आप याद करें इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है और वो सब मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है फोकस पे, ये जो इमेज बनेगा ये इमेज डिमिनिश होगा, बहुत छोटा होगा। डिमिनिश का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, तो हम यहां लिखेंगे डिमिनिश या फिर हाईली डिमिनिश, या फिर आप इसे पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। और नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मींस कन्वर्जिंग मिरर, एंड कॉनकेव मिरर एंड कन्वर्जिंग मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए रियल एंड इनवर्टेड इमेज, सो द नेचर विल बी रियल एंड इनवर्टेड इमेज, एंड यू हैव द डायग्राम विथ यू। आप एरो बनाना ना भूलें, ठीक है, ये इसका एरो ऐसा और इसका एरो ऐसा। सो दिस इज द केस वन व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू केस टू। सो नाउ केस टू, अब हमने क्या किया था, हम पहले ये वाला डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये होगा हमारा पोल, सेंटर ऑफ द मिरर, फिलहाल सेंटर में आया नहीं है, थोड़ा मुझे लाइन को नीचे बनाना चाहिए था, पर आप इसे बीच से ही बनाएंगे। ये हम फोकस को मान लेते हैं, ये हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मान लेते हैं। ना सबसे पहले इन्फिनिटी में रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, अब इन्फिनिटी से पास में आएगा और हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी के पीछे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सी के पीछे, तो हम यहाँ लिखेंगे बियॉन्ड सी, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों को इमेज कहाँ बन रहा है, वो रे डायग्राम के थ्रू बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने जो चार रूल्स पढ़े कि पैरेलल अगर रे जाएगी तो फोकस पे मिलेगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल मिलेगी, अगर ऑब्लिकली जाएगी तो ऑब्लिकली निकलेगी, और सी से जाएगी तो सी पे ही मिलेगी। हम ये चार रूल में से कोई से भी दो रूल्स को यूज करके इमेज फॉर्म करवा सकते हैं। कैसे, मैं यहां से एक रे निकलेगी पैरेलल, किसको पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल एक रे मैंने निकाला, और ये पैरेलल है कहां से पास होगी, फोकस से, दिस इज अवर फोकस, ठीक है। अब मैं एक और रे यहां से निकालता हूं और उसे फोकस से पास करवाता हूं, और ये कहां मिलेगी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां से एक रे ली और इसको फोकस से पास करवा दिए, और ये क्योंकि फोकस से पास हुआ है ये कैसी वापस आएगी, पैरेलल, और ये एरो और ये एरो, इसका एरो ये और फिर ये ऐसा, इसका एरो ये और फिर ऐसा है। और हमने देखा कि ये वाली रे इस वाली रे को इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये हुआ हमारा इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना, कहाँ बना, F और C के बीच में। सो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन C एंड F। अच्छा आप मुझे देखकर बताएं कि साइज इस ए बी ऑब्जेक्ट, ए बी मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस ए डैश बी डैश एंड दिस
a dash d dash is size of image. Now आप मुझे चेक करके बताइए, आप देखिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ द इमेज कैसा है, छोटा है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, सिर्फ डिमिनिश्ड. और क्योंकि हमारा इमेज उल्टा बन रहा है वो इन्वर्टेड रहेगा. और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर, दैट इज व्हाई इट इज रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट केस थ्री, और केस थ्री में क्या होगा चेक करते हैं. अब हमने क्या किया, अब हमने सी के पहले रखा था हमारे ऑब्जेक्ट को, अब हम सी के ऊपर ही रखेंगे. सो ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ए भी क्या है हमारा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां पे रखा हुआ है, सी के ऊपर में रखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी पर, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब हम क्या करते हैं, हम यहां से एक रे निकालते हैं पैरेलल, आपको पता है पैरेलल रे निकल के कहां से पास करेगी, फोकस से, और एक रे को हम फोकस से पास करवाते हैं, ठीक है, तो ये कहां मिलेगी, ये सीधा सीधा मिलेगी हमें यहां पर. अब आप चेक करें, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके नहीं बनाया है ये जो डायग्राम, इसलिए मेरा डायग्राम गलत हो गया है. मैं एक काम करता हूँ, इसे मिटा के दोबारा आपके सामने कैलकुलेट करके बनाता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें कितने अच्छे तरीके से इसका आंसर मिलेगा. सो दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर पोल, और हम क्या करेंगे, पोल से बरोबर मैं यहां से 15 पे फोकस बना रहा हूं और यहां से 30 पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका आधा फोकस होता है. अब हम क्या करेंगे, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, एट सी पे, ठीक है. अब यहां से मेरे पास में चार केसेस है, मैं या तो लाइन पैरेलल ले जा सकता हूं, फोकस से ले जा सकता हूं, या सी से तो नहीं ले जा सकता क्योंकि सी के ऊपर में वो खड़ा है, या ऐसे ऑब्लिकली लेके जा सकता हूं, ठीक है. तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं दो केस लेता हूं, पहला केस कि मैं फोकस से लेकर गया और ये रे रिफ्लेक्ट पैरेलली हो गई, और दूसरा मैं क्या करता हूं कि मैं इसको पैरेलल लेके गया तो ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, और हम चेक करते हैं कि ये बरोबर यहीं पर बनेगा. और हमने चेक किया कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने सी पे रखा, तो हमारा जो ए डैश और बी डैश है इमेज वो भी कहां पर बना, सी पर ही बना, ठीक है. तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट सी, साइज ऑफ द इमेज, देखिए याद रखिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितना बड़ा साइज रखा हुआ होता है उतना ही बड़ा इमेज का साइज होता है. तो यहां आएगा सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही बड़ा साइज इमेज का भी है. अच्छा, इन्वर्टेड है क्या, उल्टी है क्या इमेज, जी हाँ, और रियल तो रहेगी क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज केस नंबर थ्री, ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू केस नंबर फोर. हम लोग धीरे धीरे पास में जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं मतलब कैसे, सबसे पहले इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, फिर हमने सी के पीछे लाया, फिर सी के ऊपर रख दिया, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है. और इसका नाम क्या है, ए और बी. व्हाट इज ए बी, ए बी इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर इट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन C
सी एंड एफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब क्या होगा कि यहां से एक रे में पैरेलल निकालता हूं और इसे फोकस से पास करवा दूंगा। देखिए गलत पास नहीं है, कहां से पास करवानी है इसे, फोकस से पास करवानी है। ठीक है, प्रॉपर फोकस से पास होनी चाहिए, नहीं तो आपका रे डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, यह है हमारा फोकस और फोकस और इस पे एरो। एरो देना इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मार्क्स विल गेट डिडक्टेड। नाउ एक रे तो ऐसी होगी, दूसरी रे के लिए मैं क्या करता हूँ, फोकस से पास करवाता हूँ और ये यहाँ आएगा। और हमने क्या लिखा कि ये दोनों रे यहाँ मिल रही है, मतलब ये हुआ हमारा इमेज। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश बी डैश। देखिए ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है साइज ऑफ इमेज। बताइए इमेज का साइज बड़ा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ द इमेज में बड़ा, और बड़े को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनलार्ज। ठीक है, एनलार्ज, तो साइज ऑफ द इमेज इज बड़ा। एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज, अब इमेज कहां बन रहा है, देखिए सी के पीछे इमेज बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बियॉन्ड सी। ठीक है, अच्छा उल्टा है क्या इमेज, जी हाँ इन्वर्टेड है, कौन से मिरर से बन रहा है, कॉनकेव, इसलिए रियल तो आएगा ही है। सो दिस इज आवर केस नंबर 4। नाउ लेट अस मूव ऑन टू केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 में क्या होगा, सी और एफ के बीच में रखें, अब और पास में लेके जाएंगे हम, कहां रखेंगे एफ पे। तो आइए उसका डायग्राम चेक करते हैं। सो केस नंबर 5 इज, केस नंबर 5 इज कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में हमने होल बनाया, फिर हमने क्या किया कि ये एफ मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। देखिए कैलकुलेटेड होना नहीं तो डायग्राम गलत हो जाएगा। अब हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, किसको, ऑब्जेक्ट को, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ पे रखा, ऐसे चार केसेस हो गए, ये पांचवा केसेस है कि अब हम कहां रख रहे हैं एफ पे। ठीक है, और एफ पे हम कैसे रखेंगे, अगर हम देखेंगे कि एफ से अगर मैं रे को पैरेलल लेके जाऊं तो ये कहां से पास होगा, एफ से, ऐसा पहला रे एफ से पैरेलल लेके जाने पे देखेंगे आप एफ से कैसा पास हो गया है, हाँ पैरेलल ही पास हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम एक और रे ले लेते हैं और हम क्या करते हैं कि कैसा पास करवाएंगे, यहाँ से आपके एनसीईआरटी बुक में यहां से पास करवाया है, कहां से, ऐसा ऐसा, और ये वापस जाएगा सी से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये अगर ऐसा जाएगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होते हुए जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये दोनों रे एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल होने की वजह से ये दोनों रे एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए कहां तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक। तो हमारा जो इमेज बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर बनेगा, एट इन्फिनिटी, पर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, एट फोकस। और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, हम यहां लिखेंगे हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, और ऑब्वियसली रियल एंड इनवर्टेड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सिक्स्थ केस, एंड द सिक्स्थ केस, अब छठवां केस जो है वो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन आता है इसी केस पे। ठीक है, ये अकेला केस है सिक्स्थ केस जिसमें हमारा नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाले केस को आप याद रखें। ठीक है, यस, सो नाउ लेट अस हैव केस नंबर 6।
अब हमने क्या किया, अब हम और पास जा रहे हैं, पोल के पास जा रहे हैं। ये हमारा मिरर, ये पोल, ये F, ये C। पहले इंफिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट, फिर C के पीछे लाए, फिर C पे लाए थर्ड केस में, फोर्थ केस में C और F के बीच में लाए, फिफ्थ केस में F पे रख दिए, और अब F और P के बीच में। तो बताइए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज, अब देखते हैं इमेज कहाँ बनेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से मैंने एक पैरेलल रे ऑफ लाइट बनाई जो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस एंड द नेक्स्ट विल बी ऑब्लिक। मैं एक ऑब्लिक के लिए भी ले लेता हूँ क्योंकि हमने एक भी केस में ऑब्लिक का यूज नहीं किया है। तो प्लीज, तो अब मैंने एक ऑब्लिक वाला लिया, जितने एंगल से ये यहाँ टकराएगी उतने ही एंगल से ये ऐसी आगे बढ़ेगी। एंड व्हाट डू आई ऑब्जर्व कि भाई ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कभी नहीं मिलने वाले, ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कि ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं पीछे, या इस पॉइंट। तो हमें पहली बार कन्वर्जिंग मिरर में या कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, क्या ये उल्टा है, उल्टा मतलब ऐसी ऐसी बनती थी यहाँ नीचे इसके पहले वाले केसेस में। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज हाईली एंड लार्ज, बहुत तो बड़ा, ठीक है, या एनलार्ज, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनलार्ज। अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। सो वी विल राइट बिहाइंड द मिरर। द मिरर नाम से एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर भी आता है अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो। खैर, बाय द वे, सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, बट स्टिल मैं एक टेबल बनाता हूँ अभी, तो आप लोग इमेजिन करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। इस टेबल को जरूर याद रखें जो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले अगर आप याद रखें तो हमने कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले हमने रखा था एट इन्फिनिटी। और जब हमने इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखा था तो हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज क्या था, एट फोकस, और बहुत छोटा सा बना था। तो आपने क्या लिखा था, हाईली डिमिनिश्ड, पूरा आप लिख लेंगे, या फिर आपने पॉइंट साइज भी लिखा होगा। और नेचर ऑफ द इमेज ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। सो दिस इज द केस नंबर वन। केस नंबर टू, हम थोड़ा पास आ गए ऑब्जेक्ट को लेके और हम सी के पीछे खड़े हो गए, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, सो वी ऑब्जर्व दैट द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और ये कैसा था, छोटा था बड़ा था, थोड़ा सा छोटा था, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, सिर्फ डिमिनिश, डिमिनिश, और कैसा, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में क्या हुआ कि अब हम पास में जा रहे हैं, अब हमने सी पर रख दिया एट सी। देखिए सबसे अच्छी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो उसके साइज में कोई फर्क नहीं आता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। कहां पर बनेगा, सी पे रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड। आपको क्वेश्चन आएगा कि इफ द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। एंड यू विल से सर सी पे रखा हुआ है
क्योंकि सी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज का साइज सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फोर। एट सी के बाद हम और पास में चले गए सी और एफ के बीच में, तो अब हम क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में अगर हमने रखा ऑब्जेक्ट को, तो हमने डायग्राम में देखा कहाँ बन गया था हमारा इमेज, सी के पीछे, दैट इज बियॉन्ड सी। यहाँ इसको उल्टा कर लीजिए, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, है ना, यहाँ पर रखे थे तो यहाँ बना और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ बना, चेक करें, बस ये उल्टा हो जाएगा। जो अभी हमारा इमेज बना था वो थोड़ा सा एनलार्ज होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली सेम है। ठीक है, फिफ्थ केस इज एट फोकस। अब देखिए जब इंफिनिटी पे रखा था तो कहां बना, फोकस पे, और फोकस पे रखेंगे तो कहां बनेगा, जी हाँ इंफिनिटी पे, और साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, और ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। बट नाउ द सिक्स्थ कंडीशन, जब हम मिरर के और पास जाते हैं, जब हम फोकस से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस क्या होगा, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल, कहां बनेगा हमारा इमेज, हमने देखा था मिरर के पीछे बन जाता है, तो हम लिखेंगे बियॉन्ड द मिरर, एंड साइज ऑफ द इमेज विल बी बस एनलार्ज लिखे आप। ठीक है, एंड नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप एक ये जो लास्ट वाला केस है इसको स्टार मार्क करके रखें, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा केस है जब कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर क्या हो जाता है, एक ऐसा इमेज प्रोड्यूस करते हैं जो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ना कि रियल एंड इन्वर्टेड। सो आपको इस केस में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है घुमा के, कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग मिरर, बोलेगा कॉनकेव भी नहीं बोलेगा घुमाने के लिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, obviously between F and P. Second question, what will be the size of the image, बड़ा या छोटा, आप क्या कहेंगे, बड़ा। Where will the image form, and you will say the image will form behind the mirror or beyond the mirror. So this is a summarized table for image formation by concave mirror. It is very easy, and stay tuned for the next video as we are going to learn the numericals. और numericals इतने आसान हैं कि आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। Thank you guys. Take care.